ये हमारा तीसरा वाला हंट है। यहाँ पर नूडल्स हैं, चाउमिन है, मोमोज है, सब खाया। मुझे दीदी के पास एटलीस्ट एक महीना चाहिए, मैं अपना काम थोड़ा सफर कर लूंगी। अगली शादी संदीप की शादी यहीं पर करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। इधर देख के मुझे चौकी अहमद, पूरी रात हमारा भाई जागा है व्लॉग एडिट करके, अपलोड नहीं हुआ यहाँ पे रामनगर में। मुझे नहीं पता नेट क्यों नहीं चल रहा, बट सुबह देखा तो फोन से कुछ ज्यादा तेज चल रहा है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लखनीत व्लॉग्स। हम लोग रेडी हो रहे हैं जंगल सफारी। मैं कल से बोल रही हूँ डेजर्ट सफारी, तो वो जंगल सफारी कल सैंडी ने मुझे करेक्ट किया, तो मैं तो अपने हेयर टाई करके जाऊंगी क्योंकि भाई बाल उड़ेंगे। और सबसे बैड बात है कि मैं अपने कोई स्वेटर नहीं लाई, तो लखन का स्वेटर पहना, बड़ी मुश्किल से मैंने बोरो किया। तो गाइज हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से टाइगर सफारी के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंड है, तो मैंने देखो 3 लेयर्स पहने हुए हैं। सुधीर तू भाई मेरे रूम में चला जा, और एक और जो भी दिखे ना इसके ऊपर मैं पहन सकता हूँ वो लिया, ठीक है? कुछ कान ढकने का लिया नहीं भाई, हम तो सही दोज लेंगे यहाँ पे। मुझे बहुत ठंड लग रही भाई, अभी तक ठंडों में 5 लेयर मैंने कभी नहीं पहने। नीतू गाड़ी आ गई है। आई नो, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स। अरे जल्दी आ जाओ सब यार, ये किसको देखो वो नहाने घुस गई है। दीदी वैसे नहाती नहीं है डेली, खूब जाती है यार। गाइस सब लोग आओ यार, जल्दी लेट कर रहे हो। गाइस देखो चांद कितना अच्छा दिख रहा है। क्या कह रही है दीदी? वो आ चुके हैं जिनके साथ हमें जाना है यार, आ गए वो लोग। अरे यार इसकी पता नहीं क्या दिक्कत है। ए इधर देख, क्या कह रही थी तू भी? भाई बहन इतने बेवकूफ, इसको मैंने लगातार एक के ऊपर एक 3 लेयर पहनाई, इसको भी एक लेयर और पहनाई मैंने, ये पहन ले वहाँ कांप जाएगी, कांप आई समझ। बहन यार इतनी स्टाइल तो सच में मैंने कोई मारते नहीं देखा। ये स्टाइल है, और जो ज्यादा उसमें रहता ना, ज्यादा इस पे अट्रैक्शन होता है टाइगर, उसी को देख कर आ जाएगा। गाइस इतनी ठंड है कि पहले इसको ये पहनाना है, उसके ऊपर इसको जैकेट पहनानी है। आजा बहन आजा यार, मैं तुम्हें अपनी कीमती चीज दे रही हूँ, लिपस्टिक। अगर इसको कुछ हुआ तो मैं सीधा घर भेजूंगी। टाइगर आ जाए तो सबसे पहले यही छुपाना तेरे को, ठीक है? मुझे खा दे, 1 मिनट दे दो। ये देखो आज वैष्णवी ने ठंड मानी है। कौन? भाई वाह मजनू, ये अपने लिए लेके नहीं जा रहा, ये तो वैष्णवी के लिए लेके जा रहा है कम्बल। हाय हाय, हाँ हाँ, क्या आएगी नहीं? अरे आएगी नहीं, बड़ी है वो, इसके ऊपर से फिर जैकेट डाल दे, वहाँ ठंड में ना कुल्फी जम जाएगी तेरी। घर वाले कहेंगे लड़की मार दी हमारी बाहर ले जाके, यहाँ हम फैशन शो पे नहीं जा रहे। लेट्स गो गाइस। पूनम बहन दिखा रहे थे, मैंने माना कि सुबह सुबह नहाया नहीं जाता, पर मुंह तो धोया जाता है। मुंह धोया है, सनस्क्रीन भी लगाया। चलो नहीं यार, मतलब नहाई नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी नहीं नहाया, बट से मुंह भी नहीं धोया यार। नीतू को देखो, हमारे को नहा भी ली सुबह सुबह, लगता ही नहीं कि तुम बहने हो। इसे देख, शोले की ठाकुर बन के घूम रही है। किसने? अच्छा ये हम अपनी गाड़ी को साफ करा रहे हैं, हम तो आज उसमें जा रहे हैं ना सफारी वाली में। चलो चलो, काउंटिंग। ए हाथ दिखा, कौन जाएगा? हेलो करते हुए नहीं जाओगे? हाँ हेलो करते हुए जाओ, और तू तो सबसे आगे जा। अब तेरे को समझ आएगा मैं तो क्यों इतनी जैकेट पहना के आया हूँ। वैष्णवी आज अच्छा, तेरे पास तो कंबल है, देखो तो क्या ही बोलू। चल चल चल, हाँ इसका अलग ही चल रहा है, चल आगे चल। तो पीछे ही तो कह रहा हूँ मैं, इधर बैठूंगी मैं। हाँ उधर बैठ जा, जहाँ तुझे बैठना वहाँ बैठ जा। सैनी भाई तुम तो बिल्कुल डाकू की तरह घूम रहे हो, यूँ डर लगा। देखो यहाँ टाइगर दिख रहे हैं आजकल, तुझे पता है? हाँ तेरे क्या हो गया भाई? सुनिधि का बर्थडे आने वाला है, मैं सोच रही हूँ मुझे क्या देना है। कॉर्ड्स दूंगी ऑरेंज कलर के, और ताजमहल लेकर जाऊंगी और वहाँ पर केक कट करूंगा। उसमें और एक ही बार खुद से प्लान बना के नहीं गई, दूसरों के प्लान में जाती है। अब लगी ठंड, अब जैकेट उतारो या अंदर वाला लेयर उतार के देख, अब पता चलेगी। हाँ भाई इसको तो सोच, मैंने कितना ये, इसके अंदर एक और, उसके अंदर एक और। जब गर्मी लगी ना हम तेरे को ही बोलेंगे। हाँ भाई गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी भाई। भाई अब मुझे देखो मैं कितना पैक होके आया हूँ। दिव्या बहन सच्ची सबसे ज्यादा तुम्हें देख के खुशी हुई, वो तो सब ठीक है, कोई फैशन वैशन से मतलब नहीं, अपना देख अपना सेफ्टी से आई है वो एकदम। लिपस्टिक तो देखो उसका जहरी। अरे इसलिए लाइए कि अगर टाइगर वाइगर आ जाए तो उसे लिपस्टिक दिखा के भगा देगी। पूनम बहन सुनो, तुम्हारे पास टाइगर नहीं आ सकता, बिना नहाए बिना मुंह धोए स्मेल आ रही तुम्हारे अंदर से। नहीं ना, भगवान कसम लग रहा है। हाँ नहीं धोया। आया मजा, इसको लगा लेना, बटन लगा ले, बटन ले पकड़। नहीं रखना अभी नहीं, बहुत जल्दी थोड़ी वो सब पीछे जाएगा।
जाओगे पूरा मैं 6 मिनट से अपना चल रहा कैमरा, ये देखो कुछ भी नहीं है। ये शॉर्ट्स है भाई कैंडिड, ये है कैंडिड शॉर्ट्स। तो गाइस हम एक जगह रुके हैं क्योंकि हम बिना खाए भी आ गए थे। हाँ थोड़ा सा ले लो यार, हाँ उस गाड़ी के लिए भी ले ले, सबके लिए हो गए भाई। चिप्स वगैरह सब ले लिया हमने भैया, ये भी दे दे उल्टी करने वालों के लिए। क्या ये अरे उल्टी कौन कर रहा है, किसे आ रही उल्टी? मुझे तो नहीं आती, किसे आ रही उल्टी? ये यार पार्ले जी लाइए यार। दीपक दीदी पहले कैसे लगा तूने, एक बार दिखा दे, मैं एक बार दिखा दे, तू कैसे देख रही थी पहले एक बार दिखा दे। ये देखो कैसे कुछ क्यों नहीं रहा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस अभी ये एक और गेट है जिसके अंदर हम आए, और ये पानी की सारी बोतल रखी है, चाहिए नहीं चाहिए पक्का? ठीक है भाई दीदी, तूने तो बिल्कुल दुकान बना ली यहाँ पे। ये हमारा तीसरा वाला हंट है और अभी तक हमें टाइगर लायन कुछ भी नहीं दिखा, मतलब तीसरा अलग अलग जगह। अगर आपको टाइगर देखना है क्या, तो आप थाईलैंड जाकर देखो, टिकट लो और हमें टाइगर ही टाइगर। बट उस चीज़ को मैं प्रमोट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मतलब करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो शायद उनको ड्रग दे के रखते हैं जो कि अच्छा नहीं है, इनह्यूमन है वो। मैंने एक बार जाके गलती कर दी और आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया कि भाई इनको ये नशे में रखते हैं, तो अच्छी चीज़ नहीं है। गाइस आप लोग देखो कितने सारे डियर दिखे हमें, लेफ्ट साइड में बहुत सारे। हाँ यार ये उधर देख रहे लेफ्ट में, वाह यार कैसे लग रहा है बहन। यार यहाँ पे बड़ी सुंदर सी बर्ड्स हैं और आपको कितना अच्छा अच्छा स्काई देखने को मिल रहा होगा इस टाइम, कैसा लग रहा है बहन तेरे को? आजकल पेड़ पे ना सीट होते हैं ना नए। कितना पास है डियर हमारे, ये एक जगह है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं और ये बताते हैं यहाँ पे अगर आप स्टे करो तो 90% चार्सेज हैं टाइगर के देखने के। बुकिंग बहुत पहले से करानी पड़ती है। और ये देखो जो वायर है ना ये सारे वो है बिजली वाले ताकि टायर अंदर ना जाए। 45 डेज तक बुकिंग करानी है ना, 45 डेज पहले। अच्छा माने नहीं तुम लोग उतरे बिना है, खूब कोशिश करी मैंने, ठंड लग रही है। मैंने तो टाइगर देख लिया फोटो में ना, मैंने भी। अरे बस 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 भाई टाइगर आ जाएगा, सीखा हुआ कहीं से आप लोगों ने? ये सिखाती है बस, कोई भी भूसा मार सकता है पे। दिन की सुनते लियो तो दिन में ओनली रात एक दिन तुमने लखनी वाली टोपी पहन लिया ना, मैं लेकर आई थी अपने लिए। तो क्या हो गया तेरा, मेरा क्या बटा हुआ है? अच्छी पत्नी का धर्म। हाँ इसने बहुत देर निभाया, उसको ठंड इतनी लग गई कि इसने मफलर निकाल ही लिया। जब हम यहाँ पे घुसे थे ना 5 मिनट बाद ही समझ गया मैंने, कहा आज टाइगर वाइगर कुछ नहीं दिखेगा। सारी ये तो निकलने से पहले मैंने इसका में थी स्टार्टिंग से ही वो वाली चीज आती जा रही थी बस यहाँ पे वो पंजा दिखाएंगे। यहाँ पे एक गाँव था, गाँव 1992 तक था, उसका एक मंदिर था, मंदिर में पूजा होती थी और फिर उसे एक बात बता वहाँ जब सरिस्का था ना, हम सरिस्का में गए थे तो याद है वो गाड़ी रुक गई रोड पर, हमें टाइगर बैठा दिखा था बहुत दूर से, थोड़ा थोड़ा आगे चले पता चला कुत्ता था वो। याद है वो सीन है तुझे दिखा था वो भी अभी ऐसी करा इसने। हाँ जी गाड़ी रुको नया पक्षी दिखा है, देखा मुर्गी निकली। अच्छा सुनो अगर बनना है तो रोहित जैसा पति बनो, अपनी बीवी को पूरे कंबल में लेकर आए। अरे ये खड़ा मुझे से वैसे भी अंदर बैठी है, कितना क्यूट है ये, होटल वाले ढूंढ रहे हैं कंबल भी तुम्हें भी। भाइयों तुम्हारे लिए सबके लिए पानी की बोतल लेती है, इसको उठा दो जल्दी से, चल कंजिया अंदर चाय मिल रही है आ जा। और नीतू वाली बात मैं बताऊंगा ना इसने क्या बताया चाय कैसे बनती है। मैं चाय नहीं पी रही, मैं तो पी रही हूं। मत पी, आओ आओ दिव्या बहन चलो पूरे बहन। अरे आ जाओ यार इतना आलस ठीक नहीं है यार, चाय पीने। अगर टाइगर आ गया अकेला तो नीतू देखियो फिर तू, चल आ जा वैष्णवी आ जा अंदर आ जा। ए क्या करने आई तू यार, गाड़ी में बैठे थी टाइम, आ जा चल अंदर चाय पियेंगे। हां चाय नहीं पीती हूं, तो कुछ खा लियो कुछ खाने को मिलेगा अंदर आ जा गाड़ी में से उतर। खुद तो पीती नहीं यार, मुझे भी पीने नहीं देती। क्यों पता नहीं क्यों रोक रखे, ये क्या बात है यार, हेल्थ खराब होती है। अच्छा आ जा जल्दी जल्दी भाई जल्दी आओ, इनको मैंने दिव्य बहन का टोपी उतार ली और इसमें इतनी जुए हैं नहीं तो इसको झाड़े वो जुए से मैं जुए जुए। चलो गाइस चाय पियेंगे यार, आओ आ जाओ चलो लेट्स गो। बताया भी कि चाय है पुनीत ने, अब बाकी तो अंदर जाके पता चलेगा, चलो अंदर। ओ बुढ़ाऊ थोड़ी फुर्ती लिया अपने अंदर आई समझ। ये कैसे बैठी नहीं तू, क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पर नूडल्स हैं, चाउमिन है, मोमोज है, सब खाया, तुम खा लो गो। मैं चाय लूंगा बस। तुमने फिर से जू वाली टोपी लगा ली पूनम, मैं सबसे लेट उतरी और सबसे पहले चाय का कप पकड़ लिया है। 25 रुपए की चाय, कितनी? 25 रुपए की। तो फ्लाइट में भी महंगी नहीं होती। कहाँ से ये चाय बन के है? पानी पानी नहीं चाहिए।
अच्छा किसको चाहिए? तूने झूठी क्यों करी? अपने तू काले होट नहीं लगाती तो मैं पी लेता ना। गाइस हमारी गाड़ी पे आप देख सकते हो बंदर है और सामान ले जा रहा है। दीदी बंदर सामान ले गया वहां से गाड़ी में से। तू सही रखवाली कर रही थी। तू क्या मैगी और ये क्या हो गया तेरे को? तो अभी आप देखते रहना दीदी मैगी खा रही है, मैं उसको खाने नहीं दूँ, वो अपने आप मैगी छोड़ देगी। दीदी जो तू मैगी खा रही है ना, सोच इसी फॉक से कितने लोगों ने खाया होगा और मान लगे धुली हुई ना हो। कोई बात नहीं यार, और प्लेट भी झूठी लग रही है। हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, पता कोई बात नहीं, हम सब एक ही दुनिया में। दीदी वो देखे दे देना धन, उसमें देखा वो यूं करके खाना निकाल देता है ऐसे, मैगी किसी निकाल दियो गरम गरम। पहनाया था ना ये अंदर, ये पहने घूम रही है, इसकी वजह से नया जीवन मिला तेरे को, समझ रही है? वरना शोर मच गया होता, घर जाते कुटाई होती मेरी, हमारी लड़की मार दी, लड़की मार दी। गाइस मैंने दीदी को एक बात बताना चाहती हूँ, सुन। क्या हो गया, क्या हो गया मैं? ये भी दीदी के लिए टास्क है, यहाँ से उतरना भी बहुत सीरियसली लेती है हर चीज़ को, ये कहीं गिर ना जाए, हल्का सा मोच ना आ जाए, इससे अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है दीदी को। सबको होती है, सबको होती है। तो जितनी प्यारी मैंने किसी कोई नहीं देखी। विटामिन सी की टैबलेट लेना टाइम से। ओ यार घर पर रखे हुए जाती है। हाँ 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 ठीक है, चलो गाइस यार एडवेंचर खत्म अपना। हाँ खत्म, बैठो। इस बंदर खा के क्या गया, चिप्स निकाले इसमें से, वो फाड़ भी दिया यार बंदर ने, कैसे फाड़ा देख। अगर कोई खाता है हाँ बहुत अच्छा होता है। चल पुनीत और सैंडी। यार रुको यार पुनीत, मैं चाहता हूँ तेरी लाइफ में सब अच्छा अच्छा हो भाई, खा ले प्लीज, किसी को खिला दे, किसी को क्या पता, मुझे तो पता है नहीं। नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं खिलाना, ऐसे रख दो वो खा लेगा, ऐसे खोल के रख दो, ऐसे किसी को खिलाओ मत। बंदर कोई कह रहा था मैं खाना ही, मैं मेरा मतलब था, नहीं मेरा मतलब ये था कि बंदर कोई खिला दे भाई किसी को, मतलब वही था मेरा। रख दे वहाँ रख दे, बंदर खा लेगा। चलो भाई काफी एडवेंचर हो गया अपना। क्या हो गया? अब मैं देखो बोलने वाली हूँ कि जो मुझे शॉल देगा उसको मैं 5,000 रुपए दूंगी। गाइस जो मुझे अपना शॉल देगा मैं उसको अभी के अभी 5,000 रुपए दूंगी। जैकेट भी रख लो। उतारू नहीं, सुन उतारू 2,500 रुपए मान जाऊंगा, मैं 2,500 मान जाऊंगा बोला, यहाँ से पता कंट्री में चला जाएगा। हाँ मैं देख पाता हूँ, उसको ठंड बहुत कम लगती है। गाइज अभी हमने देखा दो गाड़ियां दूसरे जोन में रुकी हुई, शायद उनको टाइगर दिख गया होगा। तीन गाड़ियां वो यहाँ दिखाना, ये कितनी उंगली है, पास का तो दिखता है नहीं, तो मैं इतनी दूर का देख रही हो। गाइज उसके बिल्कुल माउंटेन के नीचे है, हमें दिख गया है, कैमरे पर नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। तीन गाड़ियां भाई, कुछ तो दिखा इसका मतलब उन्हें। हाँ इसका मतलब टाइगर दिख गया यार भाई, अगर टाइगर वैसे आ गया फिर करेंगे क्या हम? खतरा है कुछ नहीं कहेगा। अब मैं कौन सा दिखा रहा है डियर मुझे? तो फाइनली हम लोग वापस आ गए और अब बस जल्दी से तैयार होना है, लेकिन मेरा मन है थोड़ी देर धूप में लेटूंगा, मगरमच्छ नहीं लेटता जैसे धूप सेकता है मुंह खोल के ऐसे, मैं ऐसे ही लेटूंगा यहाँ पे अपने डूची के साथ। इस जगह आके मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है डूची के लिए, क्योंकि इतना बड़ा गार्डन है देखो आप, और यहाँ पे वो इतना मजे से भाग रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, आजादी मिली है उसको यहाँ। तो पूनम दीदी गई है वहाँ डूची और टैडी को लेने, तो इसको अब भी ठंड लग रही है, अब तो धूप है, अच्छी धूप लग रही है, अब धूप लग रही है। yes. दो एक्सट्रीम है तेरे। सुधीर सो तो नहीं गया? कहाँ है यार गुची और वो दोनों? यहाँ तक बेल की आवाज आ रही है। ते डूची ओ तेरी। बस इसको नहीं तो दिख जाए, डूची आ गया। डूची आज तो पापा और डूची खेलेंगे। डूची डूची देख अब क्या, ओ उसको देख मुझे मार कर रहा है। आजा 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 I know. ओ भाई मेरा तो यहीं लेटने का मन कर रहा है। डूची तुमने मम्मा को मिच्ची मिच्ची किया? मिच्ची मिच्ची मम्मा
कम बोल, जितनी है उतनी रहे, आ रही समझ? इतनी है तो इतनी रहे, इतनी मत हो। क्या तू कहाँ से ले आई? तू ब्रेकफास्ट लगा नहीं था पूरा। कैसा वैसे खाने में आज? अच्छा है, सच्ची अच्छा लग रहा है, तू खा लिया? अरे मैं तो देख एक चीज के लिए खुश हूँ बहुत कि मेरा दूची खुला खुला घूम रहा है यहाँ पे, पापा का बच्चा खुला खुला घूम रहा है ना, किसी ने बाबू को पकड़ा नहीं हुआ। ओहो आज तो शैंदी मामा ने पार्टी करा दी दोनों की। ये मैं ये देना है ना अंदर वाला, अंदर वाला दो, व्हाइट वाला दो, व्हाइट वाला लाओ लाओ, मैं गुची को दे दूँ क्या? इसको टैडी को बोलो, टैडी को बोलो खाने में। टैडी ये ले, ए क्या ड्रामे कर रहा, खा ले टैडी ले बेटा, वो डिजर्व ही नहीं करता, ले तू तू ले ले, ये देखो कैसे खाता है, ये लो उंगली भी खा गया साथ में। तो बता दे भाई क्या चाहिए? ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, ये रहा हमारा नया जोड़ा, और मैं इन्हीं के पास बैठ के खाऊंगा खाना। रोहित ने क्या करा, कैप यहाँ रखी हुई थी तो भाई मेरा दूसरी चेयर लेकर आया। एक कितना केयरिंग है यार ये। सर चाय कॉफी कुछ नहीं, कॉफी कोल्ड कॉफी ले आओ मेरे लिए। तो मैं आपको चाय और कॉफी कुछ देनी है सर आपको? मुझे कोल्ड कॉफी चाहिए। सुबह तू गिड़गिड़ा रहा था ठंड में, अब तेरे कोल्ड कॉफी चाहिए। तो गाइस यहाँ पर हमारी कोल्ड कॉफी आ गई है, ये शुगर वाली है जो मेरे रोहित की है, और बिना शुगर की नीतू के लिए। हाँ भाई ये भी मैंने मंगाया था, थैंक यू। गाइस देखो यहाँ पर बकरे आ गए हैं, हम पर हमला हो सकता है, डूची ने बचा लिया हमें। देखो हाँ डूची, हाँ डूची, कौन है गुची, कौन है? अरे वाह, कौन डूची कुत्ते हो गए? अरे इसको दे, ये भी आ गया, तू भी भाग। कौन है ये, बचा लेंगे दोनों? हाँ कुत्ते 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 आ गए। यार ये पीछे वाला बैकग्राउंड देख के ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं कश्मीर में हूँ, हाउस बोट साइड। बट बहुत सुकून का आज का मेरा दिन रहा, मैं झूले पे झूलता रहा, बहुत सारे गाने चला चला के जो मुझे पसंद हैं, और एक मैं भजन बहुत सुनता हूँ, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, वो वाला पूरा मैंने सुना भाई, कितनी बार रिपीट मोड पे सुना, अपनी स्टोरी पे भी लगाया, लोगों ने भी सुना उस गाने, बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतना सुकून का दिन बीता मेरा, अब थोड़ी देर यहाँ बालकनी में बैठा हूँ, ये पूरी एक बॉटल पी जाऊँगा पानी की, हेल्दी लिविंग ये वाले टाइम के लिए मैं क्रेव करता हूँ हमेशा। और उधर नीतू भी पैकिंग कर रही है, सामने आप देख सकते हो पुनीत बैठा हुआ, पता नहीं किससे फोन बात कर रहा है उधर, कितनी शांति है यहाँ पे देखो। सो गाइस अब हमारा निकलने का टाइम हो गया है, सारी गाड़ियाँ तैयार, सारे लोग तैयार, और चेकआउट का टाइम हमारे साथ कुछ पंगा कर दिया जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओ ये क्या देख रहा है, कह रहा है हम जा रहे हैं यहाँ से। दोबारा से हम जाने से पहले आए हमारी दीदी के घर, दीदी हमको ऐसे तो जाने नहीं देंगी, दीदी के खेत देखेंगे आज हम, मेरी जिद थी बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत बड़े बड़े दीदी के खेत है सरसों वाले, तो हम वहाँ जाएंगे कुछ ऑर्गेनिक खाना खाएंगे आज। हेलो भाई, चश्मा जम रहा है यार, कैसे हो? चश्मा जम रहा है यार, आइए आइए लखनी टोली पूरी। हाय सर। हाय। इसको प्लीज दीदी, मैं उल्टे पैसे दूंगा, मैं महीने के महीने पैसे भेजूंगा, महीने के महीने पैसे भेजा करूंगा। हेलो, आज हेलो नहीं लता है, आज लता गाना गाएंगे अभी, मैं सरसों के खेत में गवाती हूं वीडियो बनाते हुए। वो देखो भैया, हेलो गुड, आइए आइए। थैंक यू, आप आए नहीं, प्यारे लग रहे थे आप, आप आए नहीं। मेरे पास एक तम्मच है, मेरे पास अभी एक तम्मच है और एक वो वाली तम्मच है, काटा वाली तम्मच आ जाएगी, अभी कह रही है देखना आपको, ये रहा पॉकेट में काटा वाली तम्मच है, देखो मैं दिखाता हूँ, अच्छा लग रहा है। ये तो आपका वैसे भी दुश्मन है, ओली का दुश्मन। सो गाइस अभी यहाँ पर दीदी और नीतू को डिस्कशन हुआ, और दीदी ने नीतू ने कुछ बात बोली थी आज। मैंने बोला था कि मुझे दीदी के पास एटलीस्ट एक महीना चाहिए, मैं अपना काम थोड़ा सफर कर लूंगी, लेकिन
जितनी इतनी नॉलेज नहीं चाहिए। अच्छा तू इतनी स्पिरिचुअल कैसे बन गई एकदम से? हाँ। तो यार इतनी पॉजिटिव वाइब ना पहली बार किसी इंसान लेडी में से आई है, सीरियसली लेडी में से आई है। आती है लेकिन ओवर नहीं हो जाता कि मन करता बस इनकी बातें सुनते रहो, मैजिक है हमारी बहना, मैजिक है। अब सोची तूने मैं कैसे कैसे लोगों से घिरा हुआ? दीदी किसी और से ही बात करी थी मैं, बस सुनते रहो दीदी को, इतनी प्यारी बातें करती है सच में, बहुत प्यारी। वो तो आपके नाम का बना है, मैं ले जाऊंगा ना इसको। थोड़ा सा ये मेरे को नहीं छोड़ रही दीदी, ये पूरी टीम के लिए है। कितनी स्वीट है, अभी आप भी बैठ। मैंने देखा था आप इतने प्यारे क्यों लग रहे थे? आपको तो नीटू के ज्यादा पसंद है ना? हाँ दोनों के बराबर। ज्यादा ज्यादा अच्छा किसका लगता है? बराबर। तो फिर मैं ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा दोनों के बराबर। मेरे ज्यादा आपके भी अच्छे लगते हैं, नीटू के भी, दोनों के बराबर। नीटू के कम अच्छे लगते हैं, मेरे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हां फिफ्थ स्टैंडर्ड से ठीक है ना? हां अच्छा गाइस देखो वो चला गया। हेलो नीटू, नीटू आ गई, नीटू 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 गुची को ले जाओ। हाँ मैं कर लूंगा वॉशरूम, तू चल। हर जगह अपना बैठ के फोन चार्ज करने लग जाती है। एक एक्सपीरियंस से जजमेंट कर, अरे अलग लेके जाऊंगा मैं अगली बार, अलग एक गाड़ी लेकर आऊंगा खाली, ठीक है भाई? हर कोई कुछ ना कुछ लाके थमा देता है दीदी। कौन? सभी ना। हाँ तो अच्छा है ना, वो ये कहते हैं कि अगली बार जब आओ तो इसका डबल है क्या? तो आप बता के लखन भाई, हम तो लीची आम दे सकते हैं आपको। नीतो ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट आया। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये शिवांगी है मेरी नेबर। हेलो, हमारे जो बच्चे चिल्ला रहे थे भौंक रहे थे, इनका बेबी सो नहीं पा रहा था, तो इन्होंने मुझे कॉल किया, दीदी आज पाशा इतना क्यों भौंक रहा है? मैंने कहा मेरे आज कुछ गेस्ट आए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। ये आए थे, हमने बताया क्यों नहीं? मतलब मैंने कहा मैं क्या बताती। श्वेता दीदी के फार्म में जाने का दीदी? हाँ हम सरसों के खेतों में जाके अब अच्छे मजे करेंगे, सरसों के खेत जाने के धूप में खेतों में जा, हाँ काम करेंगे, थोड़ा एक्टिंग करेंगे कि हम काम करेंगे, फिर हम पंजाबी ढाबे में जाके खाना खाएंगे, जल्दी खाएंगे दीदी, बहुत भूख लग रही है। बस बस उसको बोल दिया है। तो यहाँ पर सैंडल भाई बैठे ड्राइवर साइड पर, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग मिलने आ रहा है। अरे बेटे पुंतिया सिखा रहा हूँ यहाँ पे आके गाड़ी ना। हाँ। थोड़ी हल्के हाथ के मेरा कच्चा हाथ है, कच्चा हाथ है इसका, सब करो। मैनुअल गाड़ी आती है चलाना मैनुअल? एक सेकंड रोहित, ये पूछो कि मैनुअल गाड़ी में गियर कौन कौन कितने होते हैं? मतलब एक सेकंड, डेटसन है ना हमारे पास मैनुअल, उसमें कितने गियर? 5 गियर नहीं है, लगा शर्त 6 है भाई, लगाओ 6 गियर है, 6 गियर है, 6 है, शर्त लगा लो भाई, लगा लो। कितने की बैट लगी? कितने की? कितने की बोलो? 10,000 की अभी लगाओ, अभी अभी लगाओ, 5 है ठीक है। हाँ ये भी हार जाएगी मुझे पता है। भाभी आपसे भी लगा लो, 10,000 की लगाओ, रिवर्स लगाओ, रिवर्स और रिवर्स भी काउंट कर रहे हो क्या? क्यों वो गियर नहीं है? ओए चल बे, एक मिनट भाई, गियर की बात हो रही है। गियर क्यों नहीं है? ये बताओ गियर रिवर्स गियर गियर नहीं है? अबे भाई ये बताओ कर दियो भाई, गियर नहीं है। कमेंट में बताना कि कितने गियर्स होते हैं, ठीक है? 5 मतलब रिवर्स काउंट होता है, रिवर्स काउंट होता है या नहीं होता ये कमेंट्स में बताएंगे। और अगर एक भी कमेंट आ गया ना यस होता है, एक भी। तो एवरीवन ये मेरी दीदी का नया रिजॉर्ट बनने वाला है यहाँ पर। हाँ। आ जाइए, आ जाइए, कुमाऊं की चौकी रानी। हाँ क्या क्या नाम रखेंगे दीदी उसका? आप अभी सोच रहे हैं नाम तो। सो लकी टू हैव। क्या है वो, तारों पे क्या लटक रहा है वो? घोंसले घोंसले घोंसले। आ जाओ, किसने घोंसले बनाए तारों पे? गाइस टैलेंट नंबर 16, 15 तक हम पहुँच गए थे। ये लेडी गन्ने भी तोड़ती है, आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे है जया। वाओ अपने दांतों की टेस्टिंग। मुझे नहीं नहीं मुझे रख के भेज दो अभी सर। भाई जहाँ तक नजर मतलब एंड तक आपको जहाँ तक नजर जा रही है सब अपने खेत है यार। तो भाई अब यहाँ से खेत अपने देखने के बाद हम लोग जाएंगे लंच करेंगे, दीदी ने एक ढाबा बताया बहुत अच्छा पंजाबी ढाबा, और फिर हम सीधा घर निकलेंगे। कैसे खा रहे हैं? बहुत टाइम बाद मिला भाई गन्ना। अच्छा खाने का शौक है तुषार भाई को, छीलना नहीं आता तुम्हें? किसको? मैं भाई अच्छा है गन्ना भी, ऐसे क्या पता तुम क्यों चूस रहे हो? तुषार भाई को दो वो छीलेंगे, तू चख के देख ले जा, चख के देख ले, चूस के दे दो उसे, चूस के ही दे। अरे इसका चप्पल कहाँ गया? ओली का चप्पल तो रह गया। हमारी आवाज़ें अब बिल्कुल आयरा जैसी है, जैसे आयरा चीक टू चीक किस करती है ना वैसे ही है। सुलेखन बोलना। ओली किसी ओली किसी की चैमरे पे बेइज्जती करती है सर। अभी नहीं करेगी। तम्मच
काटा वाली चम्मच मेरे पास है। ये थोड़ा ना बाघों के उसमें ज्यादा रहेगी। कंपनी में शी बिहेव्स लाइक टाइगर्स एंड एलिफेंट्स। रजत बैठो, इसमें बैड है। अब ये तो पक्का बाहर में शादी कर रहा है, इसको मजा आ गया है। तेरा दी ढूंढो यार, सही बोल रही, मजाक नहीं कर रही। नहीं, आई एम सीरियस। तभी तो मैंने बोला है मेरे पास, भेजती हूँ। अगली शादी संदीप की शादी यही पर करेंगे दीदी, यही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। चलो बाय 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 भैया, बाय 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 बाय। तो हमारा बेड बिल्कुल सेट है ना सोनू दीदी? अब हम लोग जा रहे हैं, ले जाओ उसका। तो हम लोग जा रहे हैं सोते सोते। गुची आ रहा है भाई, आ रहा है। तुम गुची को ना नहीं पाओगे? हाँ हाँ यार, मुझे देख, आप देख सकते हो जाम। हाँ भाई पुनीत, अबे जा, यहाँ घुसा ही किसने है? हमने शॉर्टकट के चक्कर में, तो आप देख ही सकते हो अब कैसे फंस गई गाड़ी। और पीछे हमारे दो गाड़ी हो रहे हैं अभी। रोहित भाई हैवी ड्राइवर। गाइस हम बहुत गंदे वाले जाम में फंसे हुए हैं। और देखो पुनीत, सैंडी भाई, हरिंदर भैया, तीनों हमें जाम में से निकलवा रहे हैं। ये मैप इतने गंदे रोड से लिया है जो कि बिल्कुल मार्केट है, सेंटर मार्केट है शहर का, अमरोहा का। सो गाइस हम लोग बीच रास्ते में यहाँ पर रुके हैं बिकॉज हमारी गाड़ी में भी पंचर हो गया है। पंचर क्या हुआ है, इसमें ना कील घुस गई है, तो साइन आ रहा था, वार्निंग साइन बना हुआ। और इसका जो दूसरा टायर स्टेपनी, वो एकदम डमी टायर होता है, मतलब वो टायर होता है गुड फॉर नथिंग, तो कोई फायदा नहीं। अब हम किसी पेट्रोल पंप पर देखेंगे, पंचर ही लगवाएंगे। हाँ, इस वाली टायर गाड़ी में पंचर हो गया। इन लोगों का वॉशरूम ब्रेक भी हो गया, मेरा कॉफी ब्रेक भी हो गया, और गूची और टेडी हमारे घूम रहे हैं वहाँ पर। सो गाइस अब रास्ते में हम दोबारा से रुके हैं पंचर लगवाने के लिए गाड़ी में। और यहाँ पर नीतू सो गई है, और दीदी टेडी का ख्याल रख रही है। सो गए भी? सीधे पैर नहीं कर सकती अब? अच्छा मेरा देख, ये यही भाई, इसका सबसे अच्छा ये है, बस ऐसे बैठ के जाएगा। ये हमारी पूरी टोली। भैया हरिंद्र भी लग रहा है पंचर? तुषार भाई लगा रहे हो? तो लगा रहा हूँ। सैंडी भाई पंचर लग रहा है? सैंडी भाई तुमने ही तो सिखाया मुझे। भैया पंचर लग रहा है? पंचर लग रहा है? पंचर लग रहा है भैया? तो दीदी आप भी पंचर लगवा रही हो गाड़ी में? तुम्हारा तो मेन काम है गाड़ी में नहीं लगवा रहे, टायर में लगवा रहे। अरे निम्बूस कहाँ से आई है? मेरे पास थी चाहिए। नहीं नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो, वॉमिट आती है जिसको बोले था ना, तो आवाज जगह कह रही हो? बड़ी लेट आया रे जादूगर। बताओ फाइनली हम लोग वापस आ गए। काफी टाइम लग गया आज। नीतू तो सो रही थी, इसको पता भी नहीं हो गाड़ी में पंचर भी हो गया था। नीतू तेरे को याद है गाड़ी में पंचर हुआ था, हम लोग उतरे थे? सब याद है, मैं सब सुन रही थी। अच्छा सुन रही थी लेकिन उठी नहीं थोड़ी देर को भी। आइए आइए, गुड मॉर्निंग। चलो भाई, मतलब टेडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है कि ये यहीं था, हम बाहर से आए। तो गाइस काफी टाइम बाद घर आए लेकिन लगी नहीं रहा क्योंकि आई भी जगह से, वो भी एकदम घर जैसी थी। सो कल मिलेंगे आपसे नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। व्लॉग को लाइक कर दो अगर आप भूल गए हो तो। बाय।